हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नेम है फाइबर टू फैब्रिक। तो फाइबर टू फैब्रिक का मतलब क्या है? उसका मतलब है कपड़े के लिए रेशा। मतलब पहले एक बूजो वन द फर्स्ट प्राइज इन साइंस क्यूज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। तो पहले एक बूजो को स्कूल में जो साइंस कॉम्पिटिशन थी उसको उसमें उसको फर्स्ट नंबर मिला। दे वेरी वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ फॉर देयर पेरेंट्स। वो बहुत रोमांचित खुश हो गए एक्साइटेड और उसने दोनों ने डिसाइड किया कि इसमें जो हमें रुपये मिले हैं उसके लिए वो पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदे। देन दे सॉ ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ मटेरियल। तो वो उसने देखा के जो क्लोथ का मटेरियल था बहुत लार्ज था। दे गॉट कंफ्यूज द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ और फैब्रिक वेर कॉटन एंड सम वेर सिंथेटिक। वो कंफ्यूज हो गई, बहुत सारा मटेरियल कपड़े का दिखा और शॉपकीपर ने उसके उसको बोला द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम, उसने बताया कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कॉटन के हैं और कुछ सिंथेटिक है, मतलब सूत्रा अश्लेषित बोलते हैं उसको। He also had woolen mufflers and shawls. उसने देखा woolen का मफलर भी था and shawl भी थी। They very many silk साड़ी as well. Silk साड़ियाँ भी उसने देखी। पहली एक बूजो felt very excited. वो फिर से रोमांचित हो गई। They touched and felt this different fabric. वो सबको touch करने लगी, सभी जो क्लोथ थे उसको touch करने लगी। Finally, they bought a woolen muffler and a cotton saree. Finally, उसने क्या किया? Muffler और cotton की साड़ी ली। After their visit to the cloth shop, visit की, तो पहले बूजो began to notice various fabric in their surrounding. तो various fabric in surrounding, ये जो fabrics हैं, वो हमारे पास कहाँ से आ रही है? Atmosphere में कैसे आता है? कैसे मिलता है? They found that उसमें से क्या क्या बनते हैं मतलब? तो दे फाउ दैट बेडशीट मतलब चादर ब्लैंकेट हम जानते हैं, कर्टेन यानी पर्दे जो होते हैं वो, टेबल क्लॉथ टेबल का कपड़ा, टॉयल्स एंड डस्टर्स डस्टर जो पोता करते हैं वो, वेरी मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स, फैब्रिक्स यानी कपड़ा, वो सब में से वो बनता है। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग बर्दन जो होते हैं वो और स्कूल बैग वेरी मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक्स, वो भी अलग अलग टाइप के कपड़े में से वो बनता है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, उसने ट्राई किया तो कॉटन वूल सिल्क और सिंथेटिक ये सभी में से ये बने हुए होते हैं। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, ये सब उसने टच किया देखा ये सब में से ये बने हुए होते हैं और तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो ये सब कपड़े को। अब वेराइटी इन फैब्रिक्स वेराइटी इन फैब्रिक्स का मतलब क्या है? तो कपड़े में विविधता, वेराइटी मतलब अलग अलग कपड़ा जो होता है फैब्रिक कपड़े के अंदर जो विविधता है वो। तो एक्टिविटी वन विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप, तुम्हारे आसपास जो टेलरिंग शॉप है तो उसकी विजिट करो। तो वहां क्या देखने को मिलेगा? कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर स्टिचिंग फील एंड टच इच पीस ऑफ फैब्रिक कलेक्ट। देखो तो वहां अलग अलग टाइप के कपड़े कटिंग जो टुकड़े होंगे वो हमको देखने को मिलेंगे। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ दिस फैब्रिक एज कॉटन, उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो कॉटन के होते हैं, सिल्की होते हैं, वूल होते हैं और सिंथेटिक होते हैं। After asking for help from the tailor, उसके बारे में तो टेलर से बात करो। कपड़े के टुकड़े तो ऐसे भी होते हैं, ऐसे होते हैं हम जानते हैं टेलर की दुकान में ऐसे टुकड़े होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग फैब्रिक्स होते हैं। Do you wonder what these different fabric are made of? तुम अपने टेलर से डिस्कस करो ये जो कपड़े हैं किससे बनते हैं, अलग अलग टाइप के जो कपड़े वुलन के होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, वो अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं, सिल्की होते हैं, वो कैसे बनते हैं?
When you look at any fabric, वो अलग अलग फैब्रिक में बनते हैं. It seems a continuous piece. Now, look as it closely. When do you notice? तुमने ये सब कपड़े देखे, क्या नोटिस किया? तो ये सब किस फैब्रिक में से बनते हैं? फैब्रिक यानी कपड़ा. अब एक्टिविटी टू. तो एक्टिविटी टू में क्या बताया उसने? तो ऐसे एक कपड़ा बताया है उसने. उसमें से एक यान निकालना है ऐसे, खींचना है. कोई कपड़ा है, इसमें से थोड़ा सा थोड़ा खींच लो, क्या होगा? वो निकल जाएगा ना. तो ऐसी बात है. तो एक्टिविटी टू, सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक अवेलेबल इन एक्टिविटी वन. हमने देखा उसमें से कॉटन का कपड़ा चूज करो, कॉटन सिल्क सिंथेटिक सब देखा ना, भूल उसमें से पसंद करो. नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड फॉर यार्न एट वन ऑफ द पेज एंड पुल इट आउट इफ नो लूज यार्न इज विजिबल. यार्न मतलब कि कॉटन का कपड़ा है, उसमें से यार्न खींचो, थ्रेड दूरा कांकरा बोलते उसको, कपड़े में से दूरा खींचो. और इफ नो लूज यार्न इज विजिबल, अगर ये लूज ना हो तो You can gently pull one out with a pin or a needle. ऐसे नहीं खींच सकते, तो पिन या नीडल, पिन या नीडल यानी सुई होती है वो, उसको उससे उसको निकालो और ये जो थ्रेड है वो निकाल के बाहर खींचो. We find that a fabric is made up of yarns arranged together. हम जानते हैं कि इसके अंदर पूरी तरह से जैसे अरेंजमेंट किया होता है, हम उसको खींचते हैं. ओके, पिन या नीडल की वजह से. वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टू गेदर. हम जानते हैं कि ये यार्न पूरे पूरा अंदर अरेंजमेंट किया होता है. व्हाट आर दिस यार्न्स मेड ऑफ, ये यार्न कहां से बनता है? समझ आता है? तो आज हमने पार्ट वन में वैरायटी फैब्रिक्स की डिस्कस की और ये टॉपिक भी हमने पढ़ा और कॉटन थ्रेड के बारे में हमने पढ़ा. अब नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए. थैंक यू.